दोस्तों ये बात तो आपने कहीं ना कहीं पे सुनी होगी कि किसी भी चीज के छोटे होने से उसकी शक्ति को नहीं नापा जा सकता है। क्या पता वो चीज छोटी हो और ज्यादा शक्तिशाली हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक वेस्ट ग्रीन एनाकोंडा और पानी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल के बारे में। जी हाँ, क्या होगा यदि एनाकोंडा और इलेक्ट्रिक ईल का आमना सामना होगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि एनाकोंडा के सामने इलेक्ट्रिक ईल की कोई औकात नहीं, वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। लेकिन वास्तव में क्या होगा जब इन दोनों के बीच में होगा मुकाबला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इलेक्ट्रिक ईल की इस दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां हैं और ये सभी समुद्र पर राज करती हैं। हालांकि ये होती बहुत छोटी है, लेकिन इनका शिकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इनके अंदर करंट होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट का झटका दे सकती है। मछली दूसरी मछलियों का शिकार करके खाती है। ये पूर्ण रूप से मांसाहारी मछली है जो दूसरी मछलियों को अपना करंट देकर मार देती है। आपको बता दें, एक वेस्ट इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई 6 से लेकर 8 फीट तक होती है। साथ ही यदि बात करें इसके वजन के बारे में, उसका वजन लगभग 10 से लेकर 15 किलो तक हो सकता है। वहीं बात करते हैं एनाकोंडा के बारे में। इस दुनिया में एनाकोंडा की 3 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा विशालकाय ग्रीन एनाकोंडा होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा मुख्यतः अमेज़न के जंगल में निवास करते हैं। ये बहुत ज्यादा विशालकाय हो सकते हैं। एक वयस्क ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 25 से लेकर 28 फीट तक हो सकती है। साथ ही बात करें इसके वजन के बारे में, तो उसका वजन लगभग 180 किलो तक हो सकता है। आपको बता दें, एनाकोंडा एक बार शिकार करने के पश्चात काफी लंबे समय तक शिकार नहीं करते हैं। ये उथले छिछले पानी या दलदली इलाके में अधिक पाए जाते हैं, जहाँ पर शिकार पानी पीने आता है। पहले तो ये अपने मुंह से उस पर पकड़ बनाते हैं, उसके पश्चात उसके चारों ओर अपनी शक्तिशाली कुंडली को कस देते हैं। जैसे ही इनकी कुंडली कसते जाती है, वैसे ही शिकार का दम घुटते जाता है और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसके पश्चात पूरा का पूरा शिकार निगल जाते हैं। आपको बता दें, इनके पेट में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो शिकार की हड्डी सिंह सब गला सकते हैं। एनाकोंडा जमीन पे भले धीमा हो, लेकिन पानी में इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होती है, इसीलिए पानी में ही अधिकांश शिकार करता है। तो दोस्तों, ये तो थे इन दोनों के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स। अब यदि इन दोनों का पानी के अंदर सामना होगा तो क्या परिणाम होंगे। आपको बता दें, एनाकोंडा भी एक माहिर तैराक होता है। यह पानी के अंदर इलेक्ट्रिक ईल को देखकर उसे अपना शिकार समझेगा और निश्चित ही वे हमला भी करेगा। लेकिन आपको बता दें, इलेक्ट्रिक ईल के अंदर 600 वोल्ट का करंट होता है। यदि एनाकोंडा ने इलेक्ट्रिक ईल पर हमला किया तो इलेक्ट्रिक ईल एक के बाद एक से 600 वोल्ट के कई झटके दे सकती है, जिससे एनाकोंडा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक ईल के झटके से एनाकोंडा की मौत हो जाएगी, क्योंकि एनाकोंडा बहुत ही ज्यादा विशालकाय और बड़ा होता है, जबकि इलेक्ट्रिक ईल एक छोटी होती है और अपने झटके की पावर निरंतर देने पर कम होती जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये परिणाम सामने आए हैं कि एनाकोंडा इलेक्ट्रिक ईल का शिकार नहीं कर सकता है। एनाकोंडा की भलाई इलेक्ट्रिक ईल से दूर रहने में है, अन्यथा उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, इसका होना चाहिए था विजेता। धन्यवाद दोस्तों।